हम आपको जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि गुरु जी ये अकाल मृत्यु क्या होती है। साधारण मृत्यु को तो सबने देखा है, अकाल मृत्यु को लोग देख नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते और अचानक हादसा हो जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, हमारा वेद ज्ञान क्या बोलता है। इसके अलावा लोग ये जानना चाहते हैं कि मरने के बाद अकाल मृत्यु में आत्मा क्यों भटकती रहती है। इनको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन इनको योग के माध्यम से देखा जा सकता है। हमारा जो ये नेत्र है, इस ये नेत्र स्थूल रूपी नेत्र हैं, इनके माध्यम से आप उन सूक्ष्म चीजों को नहीं देख सकते। उसके लिए आपको आपका जो आंखों का विजन है वो परावैज्ञानिक होना चाहिए, योगी होना चाहिए, आपका त्रिनेत्रोपण होना चाहिए, तो ही जाकर के आप इनको बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हमें भगवान दिखा दो। भगवान इन आंखों से थोड़ी दिखाई देता है। आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया इन आंखों से दिखाई नहीं देते। आपके मुंह से बदबू आती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। आपके दांतों में बैक्टीरिया होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। आपके शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। बहुत सारी ऐसी योनियाँ हैं जो माइक्रो होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, तो भगवान कहाँ से दिखाई देंगे, फिर आत्मा कहाँ से दिखाई देगी। अभी तो कोई भी कैमरा ऐसा बना ही नहीं इतना जो कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को कैच कर सके, बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा का जो साइज है वो इतना बारीक है कि उसको कोई कैमरा पकड़ ही नहीं सकता और हमारी आंखें भी नहीं पकड़ सकती। इसलिए किसी चीज में ये जिद नहीं की जा सकती कि आप हमें आत्मा दिखाइए और आत्मा कहाँ भटक रही है और कहाँ बैठी है ये दिखाइए। इसके एक सिद्धांत है, उसको समझने की आवश्यकता है मित्रों। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मृत्यु के समय सबसे पहले कौन सा प्राण जाता है, बाद में कौन सा जाता है। हमारा जो शरीर है ये 24 तत्वों से बना होता है और ये 24 तत्वों में 5 हमारे प्राण हैं, 5 महाभूत हैं। 5 महाभूतों में प्राणों की जानकारी मैंने आपको दी थी कल, और 5 महाभूतों में हमारा पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, नभ है, और हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और चित्त हमारा है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है और अहंकार। 20 ये और 4 ये, तो ये सारे के सारे 24 तत्व बनते हैं। लेकिन जब शरीर को जला दिया जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है, पानी में डाल दिया तो वहां विलीन हो गया, अग्नि में जला दिया तो वहां विलीन हो गया, तो हमारा जो शरीर में से 4 तत्व, हमारे शरीर में से 6 तत्व निकल जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां जो हमारे भोग का कारण होती हैं वो निकल जाती हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारे साथ रहती हैं वो निकल जाएंगी, और अहंकार निकल जाता है हमारे अंदर से। तो ये 18 तत्व का जो शरीर है ये सूक्ष्म चला जाता है। अचानक मृत्यु हुई, मृत्यु का एहसास आदमी को नहीं होता, लेकिन मरते वक्त उसको एहसास होता है कि मैं जा रहा हूं। ये हमारे पिछले कर्मों का फल होता है कि हमें कितनी आयु जीनी है और हमारी आयु की सांसें कितनी हैं। अब कई योगी ऐसे होते हैं जो अपना शरीर स्वयं छोड़ देते हैं। अब उसको हम नैसर्गिक मृत्यु बोलें या उसको अकाल बोलें, यहां बड़ा मतभेद हो जाता है। लेकिन फिर भी जो योगी अपनी स्वेच्छा से शरीर को छोड़ रहा है, तो उनके उन्होंने अपना ये ठान लिया कि मेरे कर्म पूरे हो चुके और मुझे दूसरे काम में लगना है, मेरे यहां के कर्म पूरे हो चुके मुझे दूसरे काम के लिए जाना है। अकाल मृत्यु के अंदर भी इसी प्रकार से होता है कि व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं वो फटाफट खत्म हो जाएगा, उसने इतना अत्याचार कर लिया है कि उसका पाप का घड़ा भर चुका है। तो हमारी जो 12 दिन मृत्यु के बाद, जो हम इसको 12 ब्राह्मण भोग का भोग बोलते हैं, 12वीं जिसको बोलते हैं, उसके पीछे का एक कारण होता है, क्योंकि 12 दिन हमारी जो आत्मा है
वो छह प्रकार की वायु में रमण करती रहती है, छह प्रकार की यम नाम की होती है और छह इंद्र नाम की होती है, जिसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा बैलेंस रहता है। आतंकवादी ने 50-100-200 आदमी मार दिए और उसके पाप का घड़ा भर गया, उसको पुलिस ने मार दिया, ये अकाल मृत्यु हो गई। हवाई जहाज गिर गया, अकाल मृत्यु हो गई। रेल दुर्घटना हो गई या तूफान आ गया या अभी अभी बनारस के अंदर पुल ढह गया, वो लोग वहां वो खत्म हो गए, ये अकाल मृत्यु के अंदर आता है। इसमें कुछ आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म रहते हैं, उनको पूरा करते हैं, अकाल मृत्यु को चले जाते हैं, और कुछ आपके पिछले कर्मों के आधार पर पाप बकाया होते हैं, उनको इस जन्म में करते हैं तो अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। अकाल मृत्यु में सीधा सीधा हमारा जो नाभि चक्र में प्राण होता है वो सबसे पहले डैमेज हो जाता है, वही डैमेज होता है, लेकिन बाकी के जो चार प्राणों की मैंने जानकारी दी थी वो चलते रहते हैं। मरने के बाद भी आपने देखा होगा कभी कभी आदमी का हाथ हिलता रहता है, पैर हिलता रहता है, खून निकलता रहता है, कभी कभी हम बेहोश हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी धड़कन लगातार चलती रहती है, और कई बार लोग मृत्यु को प्राप्त होने के बाद वापस भी आ जाते हैं। तो मित्रों, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत जो बाहर निकल जाती है वो भटकती है, क्योंकि प्रकृति का विधान ऐसा है कि हर गर्भ के अंदर कोई ना कोई आत्मा पल रही होती है, और अगर गर्भ कोई खाली नहीं है, वहां पर किसी मादा ने कंसीव नहीं किया हुआ, तो उसको वेटिंग में रहती हैं वो, जिनको हम प्रेत योनि भूत योनि बोल देते हैं, उन योनियों में क्या होता है कि उनको वेटिंग में जाना पड़ता है। मान लो किसी ऐसे व्यक्ति की प्राकृतिक आपदा या ध्यान या समाधि में मृत्यु हो गई, जो बहुत उच्च कोटि की आत्मा है, वो उच्च कोटि की जो आत्मा होती है उसको वेट करना पड़ता है, वो साल, दो साल, तीन साल, चार साल कभी वेट कर सकती है। वो ऐसे ग्रहों में जन्म लेती है जब बृहस्पति उच्च का होगा, शुभ शुभ ग्रह अच्छी जगह पर उच्च के होंगे, स्वराशि में होंगे, तो उसका जो शरीर का निर्माण होगा वो ऐसे ग्रहों की किरणों के माध्यम से होगा कि उसका जो शरीर है वो इस प्रकार का बनेगा, एक उत्तम कोटि का शरीर बनेगा, वो सात्विक शरीर बनेगा, और उसके अंदर वो गर्भ में प्रवेश कर जाती है। ऋषि मुनि की आत्माएं, योगी की आत्माएं इंतजार करती हैं, और कभी कभी जो दुष्ट किस्म के आदमी होते हैं या तांत्रिक किस्म के आदमी होते हैं या बुरा करने वाले लोग होते हैं, वो जो अधूरे और भटके हुए लोग होते हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए भी आत्मा वेटिंग में पड़ी होती है, वो वेटिंग में रहते हैं। जब वेटिंग में रहते हैं लेकिन उनके पास 18 तत्व तो हैं, उनके पास वो मेमोरी तो है, उनके पास वो स्वाद इंद्री तो है, वो ज्ञान इंद्रियां तो उनके पास हैं, देखने की क्षमता तो उनके पास है, पांच प्राण तो उनके पास काम कर रहे हैं, पंच महाभूत तो उनके पास काम कर रहे हैं। इसलिए जो आत्मा अभी मैं यहां बोल रहा हूं, हो सकता है कोई आत्मा कहीं ना कहीं से इस आवाज को जरूर सुन रही होगी, अब कोई बुरी आत्मा भी इसको सुन सकती है और कोई अच्छी आत्मा भी इसको सुन सकती है। अगर अच्छी आत्मा सुन रही है तो ऊपर से दुआ दे सकती है इस तरीके से, और कोई बुरी आत्मा सुन रही है तो वो मेरे को डिस्टर्ब भी कर सकती है। इसलिए जो बुरी आत्माएं होती हैं वो सताना शुरू कर देती हैं, वो बदला लेना शुरू कर देती हैं, क्यों? वो दिखती तो है नहीं, वो हमें देख सकती हैं, वो जो नेगेटिव आत्माएं वो हमें देख सकती हैं, हम उनको नहीं देख सकते, क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म हो जाता है और हमारा स्थूल रहता है, स्थूल सूक्ष्म को नहीं देख सकता, सूक्ष्म स्थूल को देख सकता है। इसलिए जो मंगल लोक से आपने देखा होगा एलियंस आते हैं, है ना, परियां आती हैं, परियों की कहानी सुनी होंगी, वो आ सकती हैं, वो हमें देख सकती हैं, हम उनको नहीं देख पाते। तो दैट इज वाई ये कारण होता है कि जब आदमी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो कभी कभी भटकता रहता है, पेड़ पौधों पर रहता है, कई बार घर में कोई चीज खाना बन रहा होता है उसके पास आ जाता है। आप पेड़ पौधों के पास, इसलिए हमारे ऋषि मुनि उनका है कि पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी किसी स्त्री को खाना नहीं चाहिए, किसी पुरुष को खाना नहीं खाना चाहिए। उसमें अगर खाना खाते हो आप, तो विधान बताया गया है कि आप थोड़ा सा एक टुकड़ा वहां निकाल दें और निकाल करके उसको रख दें, पानी भी दें और निकाल भी दें, जिससे कि उनको संतुष्टि होती है कि हमें दिया गया है। यह हमारा जो आध्यात्म विज्ञान है इसके पीछे बहुत बड़ा एक साथ वैज्ञानिक आधार होता है हर चीज के पीछे। कई लोग बोलते हैं कि क्या हो जाएगा रोटी खिलाने से, क्या हो जाएगा पानी देने से, कौन देखता है इन सब चीजों को। तो ये लोग वो कुतर्की लोग होते हैं कि जिन्होंने पराविज्ञान को समझा नहीं है, जिन्होंने आध्यात्म को समझा नहीं होता, इसलिए
कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 3-4 दिन में उसको फ्री कर देते हैं। आजकल ट्रेंड चल गया कि 12 दिन का किसी के पास समय नहीं होता है, कि तीसरा दिन कर दो, चौथा कर दो और फ्री हो जाओ और अपने काम पे चले जाओ। उन घरों में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, वो घर बड़े परेशान होते हैं, उन घरों में नेगेटिव ऊर्जाओं का पास हो जाता है और वो आत्माएं तड़पती रहती हैं, क्योंकि 12 दिन तो उस आत्मा को जन्म मिलना नहीं है। 12 दिन जिसको जन्म मिलना नहीं है और आपने तीसरे चौथे दिन ही उसकी क्रिया कर दी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो तो आपके आसपास भटकेगी आत्मा, क्योंकि उसको वो चीजें अभी वो तृप्त नहीं है। उसका जब तक लेखा जोखा 12 दिन की जो इंद्र और यम नाम की वायु में रमण नहीं होता, जब तक उसको कहीं ना कहीं पोस्टिंग नहीं मिलती है कि जाओ कि तुम घोड़े बनोगे, शेर बनोगे या इंसान बनोगे, तब तक वो अंतरिक्ष में रमण करते हुए उन चीजों को भटकती है। अब 12 दिन सूक्ष्म शरीर में है, भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन पंच महाभूत नहीं है, पंच महाभूत उनके अंदर है लेकिन वो 5 कर्मेंद्रिया नहीं है, वो पकड़ के खा नहीं सकते, उसको ले नहीं सकते। तो इस वजह से हमारे साधना बहुत जरूरी होती है इसमें, और जो हमारा वेद ज्ञान बोलता है वो यही बोलता है, सनातन धर्म का ज्ञान यही बोलता है कि कोई भी विधि पूर्ण रूप से करनी चाहिए, नहीं तो ये दोष लग जाते हैं, ये पितर दोष लग जाते हैं, इसलिए हम परेशान होते रहते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है और हमें ऐसे लगता है कि हमारा काम होगा लेकिन कोई आत्मा हमें रोक देती है और हमें ऐसे लगता है कि काम बनते बनते बिगड़ गया। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।